खराब किया था, जब पहले तो अपन बनेगा। सुबह से मैंने दिखा था नहीं, दिखा था नहीं, ये देखो नहीं, वीडियो बनाना नहीं आता जैसे बनाते हैं। ये देखो ये नहीं, आज ये कोल्टा दास को लगा ऐसे उल्टा वीडियो उल्टा नहीं आता है, सीधा आता है। तुम उल्टा उल्टा तुम कुछ एडिट करने नहीं आता। नहीं उल्टा ही आता है, तो घुमाने वाला एडिट करो ना। नहीं उल्टा ही आता है, उल्टा आता है। बताओ भाई, मैं बना मैं बना वीडियो में बना रहा हूँ, कितना अच्छा से बोल रहे हैं। नहीं आते बनाने, बैक कैमरा से बढ़िया बनती है, बैक कैमरा से, फ्रंट कैमरा से भी अच्छे बनता है। मम्मी ने इतना कैसे करते हाथ छोटी करते। गाइज गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, 8 बज गए हैं और मैं सो के उठ गई, और फिर अभी मैं चाय बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं भी चाय बना रही हूँ, और फिर थोड़ा खाना बनाऊँगी। आलू भी उसके लिए उबाल चुकी हूँ। अभी मैं बैठी हूँ क्योंकि ठंड लग रही है, ठंड तो आज है नहीं इतनी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ी की निकल चुकी है। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। सुबह से मैंने दिखा था नहीं, दिखा था नहीं, ये देखो नहीं, वीडियो बनाना नहीं आता जैसे बनाते। ये देखो ये नहीं, आज ये कोल्टा दास को लगा ऐसे उल्टा वीडियो उल्टा नहीं आता है, सीधा आता है। तुम उल्टा उल्टा तुम कुछ एडिट करने नहीं आता। नहीं उल्टा ही आता है, तो घुमाने वाला एडिट करो ना। नहीं उल्टा ही आता है, उल्टा आता है। बताओ भाई, मैं बना मैं बना वीडियो में बना रहा हूँ, कितना अच्छा से बोल रहे हैं। नहीं आते बनाने, बैक कैमरा से बढ़िया बनती है, बैक कैमरा से, फ्रंट कैमरा से भी अच्छे बनता है। मम्मी ने इतना कैसे करते हाथ छोटी करते। कर दी बउआ का मालिश, ये देखिए मैं इसको चांद बना दी, और ये क्या क्या बना दी इसको, कितना क्यूट लग रहा है। अभी जस्ट तैयार होगा, अभी थोड़ा पैजामा पहना दूंगी, इसके पापा अभी इसको सुला देंगे। मैं जाऊंगी सब्जी बनाने, और ये भूखा आदमी को भूख लगी है, खाएंगे तो जल्दी खाना बनाओ यार। देख रहे कैसे चिल्ला रहे हैं, हम तो आदमी ही नहीं है, पैजामा है। लक्की ये रहा मेरा गुल्लू मुल्लू सा छोटे नवाब, चुमा देते टटाई। तो हमारी ब्लॉग को वॉच करती रहिए। फुल मैं बना रही हूँ सब्जी, चावल बन गया, फिर दूध उबालना है। देखिए लक्की दूध पी के छोड़ दिया है, फिर उसे दूध पिलाना है, और वहाँ चढ़ने के लिए ओला बौला हो रहा है। देख लीजिए बुआ को भी सुला जा रही हूँ कपड़ा धुलने के लिए, और फिर मैं जाऊँगी फ्रेश होने के लिए। तो ठीक है, तो अभी मेरा दोपहर से फिर ब्लॉग स्टार्ट होगा। देखिए अभी हम लोग खा पी के फिर रेडी हो जाएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को घुमाएंगे थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे। ठीक है, खा रहे हैं कैसे भूखा आदमी। लक्की भी बैठा है खाने के लिए, ये देखिए अभी कचरा लेने के लिए आया है। इधर पापा का खाना निकाल दी हूँ, पापा भी आ रहे हैं। मेरा बेटा सो गया, ये चावल खाना है, खा ले। हाँ वेरी गुड। मैं जा रही हूँ कपड़ा धुलने के, मैं कपड़ा सुखा भी थी, ये देखिए, और मेरा एक सूट नली में गिर गया, मैं इसमें चिमटा लगाना भूल गई, मैं खाना खाने। कपड़ा धो के फिर यहाँ फैला दी अंदर में, अब जा रही हूँ मैं भी सोने। गुड नाइट, बाय बाय। सो के 5 बज गया है, मेरा बाल इधर उधर बिखर गया है, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा बाल बाल बनाने के लिए, और उसके बाद बनाऊँगी चाय। और ये देखिए मेरा चुन्नू भी उठ चुका है, मुन्नू गया बाहर मामा जी के साथ, तो अभी चलिए हम चाय बना लेते हैं, उसके बाद आगे का ब्लॉग दिखाते हैं आपको। सारा चीज़ी लेके आया है ये, और तो खा गया है, इतना सारा चीज़ी लेके आया है। कौन दिलाया? मामू दिला दिए। क्या कर बाबा? बाबा दिला दिए इतना सारा और खा गया, बहुत बेकार बच्चा है ये। पूरे दिन बस इसको चीज़ी चाहिए, चावल दाल से कुछ नहीं खाना है। देखिए कैसे देख रहे हैं, बंधा गोभी आलू की सब्जी, और बनाऊंगी रोटी। सब्जी पक रही है और मैं आ गई हूँ आटा मिलाने के लिए, थोड़ा साफ सफाई भी होना ज़रूरी था, तो फटाफट सफाई कर ली। मेरा आटा खत्म हो चुका है, तो दूसरा पैकेट अब खोलूँगी। ये देखिए इसमें थोड़ा सा भी बचा हुआ है, थोड़ा इसमें बचा हुआ है, तो मैं फटाफट आटा मिला लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ जब तक वो लोग आएंगे मंडी से। मेरा सारा सब्जी खत्म हो चुका है, मेरा टोकरी पूरा खाली हो गया, उसमें बस थोड़ा बहुत मसाले वसाले पड़े होंगे थोड़ा बहुत, अभी थोड़ा वो डब्बा हुआ धोना है, 2 डब्बा बचा है धोने के लिए, बाकी सारा काम हो चुका है। इसमें नमक रख लूँगी, और उधर तो मैं कल रात पूरा साफ़ की थी,
सुबह में टाइम ही नहीं मिलता है और मेरी सब्जी भी पक रही है, जब तक पक जाए तब तक मैं इधर रोटी बनाने के लिए तैयार है। हाँ लक्की रोटी बनाएगा? हाँ ठीक है रोटी बनाऊँगा। रोटी बनाएगा ठीक है। आटा मिला ली, बेलन धोली थोड़ा, अब थोड़ा सा रोटी बना लेती हूँ फटाक से। रोटी आएंगे वो लोग खाएंगे। इसी के साथ मेरा ब्लॉग एंड होता है। बाय बाय टाटा जय श्री राम। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने पूरे परिवार का। जय श्री राम।